हमसे हमेशा जुड़े रहने के लिए हमें सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। भाजपा अनादरा मंडल ने श्रद्धा पूर्वक मनाई गांधी एवं लाल बहादुर शास्त्री जयंती। नागानी भारतीय जनता पार्टी अनादरा मंडल ने मंडल अध्यक्ष लक्ष्मण कोहली की अध्यक्षता में मुनिराज नगर अनादरा में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी एवं पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी की जयंती श्रद्धा पूर्वक मनाई। कार्यक्रम की शुरुआत में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी एवं पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी की छाया चित्र पर पुष्पांजलि कर कार्यक्रम की शुरुआत की गई। कार्यक्रम में संबोधित करते हुए भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा जिला प्रभारी दीपेंद्र सिंह पीथापुरा ने राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की जीवनी पर प्रकाश डालते हुए बताया कि महात्मा गांधी जी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 में गुजरात के पोरबंदर शहर में हुआ था। गांधी जी ने बैरिस्टर की डिग्री लंदन से प्राप्त की थी। महात्मा गांधी जी ने भारत की आज़ादी के लिए स्वतंत्रता संग्राम में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हुए अहिंसा एवं शांतिपूर्ण आंदोलन चलाकर भारत को आज़ाद करवाया था। दीपेंद्र सिंह पीथापुरा ने पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी के जीवन पर प्रकाश डालते हुए बताया कि लाल बहादुर शास्त्री जी ही देश में जय जवान जय किसान का नारा दिया था एवं किसानों की उन्नति के लिए अपने कार्यालय में कई योजनाएं बनाई थी, जिससे कि भारत का किसान समृद्ध हुआ था। शास्त्री जी का जीवन हमेशा हम सबके लिए प्रेरणादायी रहा है। उन्होंने हमेशा ही सादा जीवन, उच्च विचार का सिद्धांत अपनाया था। कार्यक्रम में भाजपा कार्यकर्ताओं ने नवनियुक्त भाजपा एससी मोर्चा जिला महामंत्री राजेंद्र जी कोहली का साफा एवं दुपट्टा पहनाकर स्वागत एवं अभिनंदन किया। कार्यक्रम में मंडल महामंत्री चोपाराम चौधरी, झालाराम पुरोहित, पंचायत समिति सदस्य नरसाराम माली, मंडल उपाध्यक्ष दिनेश प्रजापत डाक, दीपाराम देवासी उप सरपंच डाक, रणछोड़ राम कोहली, जयदीप सिंह देवड़ा, जेताराम चौधरी, मनोज चौधरी, कन्हैयालाल पुरोहित आदि पदाधिकारी एवं कार्यकर्ता उपस्थित थे। जागरूक टीवी के नागानी से महेंद्र सिंह परमार की रिपोर्ट।